नमस्कार मु सुनील कुमार प्रिय दर्शक बंधु जीवंत आहार को आपण मानको पुनर्बार स्वागत करे। आसंतु आजर ध्यान निमन्ते पवित्र बाइबल लेवी पुस्तक 26 अध्याय 40 पदरु 46 पद पर्यंत पाठ करिबा। आजर मुख्य प्रसंग विचार एक नूतन आरंभ। वाक्यर एपुर लेखा अछि आउ आंब विरुद्ध सत्य लंघन करि सेमाने और सेमानकर पितृगण जो सत्य लंघन अपराध कले आपणमानकर सही अपराध और मध्य सेमाने आंबर प्रतिकूलाचरण करिबा हेतुरु आंबे ही जे सेमानकर प्रतिकूलाचरण करि सेमानकु सेमानकर शत्रुगणर देशकु आणिलु एहा सेमाने स्वीकार करिवे। तोहिरे जेबे सेमानकर असुनत हृदय नम्र हेबो ओ सेमाने आपणा आपणा अपराध दंड ग्रहण करिवे तेबे आंबे जाकुब सहित आपणा नियम स्मरण करिबा ओ मध्य इसाक सहित आपणा नियम ओ मध्य अब्राहम सहित आपणा नियम स्मरण करिबा पुणि आंबे देशकु स्मरण करिबा देश मध्य सेमानक द्वारा त्यक्ता होई रहिबो ओ सेमानकर अवर्तमानर शून्य स्थान होई पड़िथिबा समय रे आपणा विश्राम ग्रहण करिबो पुणि सेमाने आपणा आपणा अपराध दंड ग्रहण करिवे। एथिर कारण एही जे सेमाने आंबर शासन अग्राह्य कले ओ सेमानकर प्राण आंब विधि घृणा कला तथापि एही सब कारणरु सेमाने आपणा मानकर शत्रुगणर देशरे थिबा समय रे आंबे सेमानकु निशेष रूपे विनाश करिबा निमन्ते ओ सेमानकर सहित आपणा नियम भांगिबा निमन्ते सेमानकु अग्राह्य करिबा नाही क्योंबा सेमानकु घृणा करिबा नाही कारण आंबे सदा प्रभु सेमानकर परमेश्वर अटु मात्र आंबे सेमानक लागि सेमानकर पूर्वपुरुष मानक सहित कृत आपणा नियम स्मरण करिबा आंबे सेमानकर परमेश्वर हेबा निमन्ते अन्य देशीय लोकमानक साक्षातरे सेमानकु मिसर देशरु बाहर करि आणिछु। आंबे सदा प्रभु अटु सदाप्रभु सियन पर्वतरे मसाहांक द्वारा आपणार ओ इस्राएल संतानगण मध्यरे एही सकल विधि ओ शासन व्यवस्था स्थापन कले। आसंत प्रिय दर्शक बंधु आजर शास्त्रांशकु बुझिबा निमन्ते चेष्टा करु। इस्राएलियो माने नम्रतार सहित पाप स्वीकार करंतु एवं निजर दंड ग्रहण करंतु एहा ईश्वरंक हृदयर अनेक दिनर बांछा अटे। जदियो इस्राएलियो माने निर्वासित हो शत्रु देश में बंदित अवस्था बास कले तथापि ईश्वर से मानकु परित्याग कले नाही। जदि इस्राएल माने दंडित हेबा समय ही ईश्वर को निकट को फेरी आसी थांते ताहेले से मानक निमन्ते विचारर समय उपस्थित होइ न थांता किंतु से मानक पाए पुनरुद्धार बा पुनर्स्थापन समय आसी थांता ईश्वर ताहंकर चुक्ति को मध्य भूली न थांते कि बा सेमानक ठारु ईश्वरंकर प्रेम को मध्य हटाई न थांते जेपर अनेक जाति मानक सम्मुखरु ईश्वर सेमानक मिसररु मुक्त करिकि बाहर करि आनिले सेहिपरि से सेमानक आउथरे मुक्त करि थांते एवं सेमानक जीवन रे निजर नियम स्थापन करि थांते जहाकि 40 पदरु आमे 46 पद मध्यरे आमे देखि पारुछु। पठित वाक्य रे ईश्वर के अटंती ताहा आसु माने देखु जो माने अनुताप करंती ईश्वर सेमानक पुनर्प्रतिष्ठा करंती जदियो ईश्वर लोकमानकु सेमानकर पापर मूल्य देबाकु दियंती तथापि सेमानकु घृणा करंती नाही किबा परित्याग करंती नाही शास्ति दियंती किंतु सेमाने फेरिबा पर्यंत धैर्यर सहित अपेक्षा करंती। आसु ईश्वरकर दयाकु आमे मध्य ध्यान करु जे कि ताहांक क्रोधर समय मध्य कदापि आमकु भूलंती नाही। ईश्वर आजर चिंतारे आमानकु कौन सिखांती ताहा आसु आमाने सिखु आउ आमानकर जीवन रे व्यवहार करु। ईश्वरक लोकमाने केवल निजर नुहे किंतु निज समाज एवं परिवारर पाप पाए मध्य अनुताप करिबा आवश्यक अटे। आसु आमाने निज समाज परिवार एवं निजर पाप को ज्ञात हेबा एवं स्वीकार करिबा जद्वारा कि आमे माने संपूर्ण रूपे ईश्वरंकर अनुग्रह एवं स्वृद्धि लाभ करि पारिबा। प्रभु आजर चिंतारे आम समस्त को आशीर्वाद करंतु। आसंतु आम माने प्रार्थना करिबा। प्रिय प्रभु आम मानकु तुम अनुग्रह कर
जेपरिक परमेश्वर आम माने ए पाप जगत रे जीवन जापन न करी ए पापमय दुनिया रे एक विजय जापन करू करू तुमर अनुवर्ती हेबा पाई आम मान को सहाय्य कर। प्रभु जीशुं नाम रे ए प्रार्थना मागुछु, आमेन।